Hello my dear students, today I am going to discuss the analysis of 24th February exam. Let us get started with the analysis of the morning shift first of all. तो memory based question पे जो total number of questions हमारे पास आए थे वो 30 आए थे. 30 में से 13 questions are from easy category, 12 are from medium and difficult 5 questions are there. तो अब आगे बढ़ते हैं detailed analysis of morning shift 24th February. Question number 1 जो था वो था the value of limit extends to 0. इसमें सिर्फ आपको L-hospital rule लगाना था. ठीक है, एक ही स्टेप में इसका आंसर है तो डेफिनेटली इज अ इजी क्वेश्चन. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे पास वो था डाइज रोल्ड एन टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर 2 टाइम्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर 3 टाइम्स. अब इसमें पहली बात तो लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, इसलिए कुछ बच्चों ने छोड़ दिया. ऊपर से कुछ बच्चे ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि इसमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा. सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर श्योर. क्वेश्चन नंबर 3 है fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 इनटू cos ऑफ 2x माइनस 1 बाय 2 पाई. अब इसमें सिर्फ क्वांटिटी चेक करनी थी, बट ये बहुत ही जल्दी होने वाला क्वेश्चन नहीं है और एनसीईआरटी में भी नहीं पाया जाता इस टाइप का क्वेश्चन. सो दिस इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारे पास, इसमें एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर पता करना है आपको, क्योंकि दो फंक्शन मिक्स करके दिए हुए हैं इसमें. अगर एक फंक्शन होता तो ईजी होता, अब ये मीडियम लेवल में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज दैट इंडियन फॉरनर्स वाला क्वेश्चन. ऑलमोस्ट 90% बच्चे क्वेश्चन करके आए हैं तो बहुत ही आसान है एनसीईआरटी लेवल. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वाड्रेटिक के ऊपर बेस्ड है, बट इसमें डिग्री 4 की क्वेश्चन बन रही है और कैलकुलेशन काफी ज्यादा है, तो ये मीडियम लेवल में है. 7th क्वेश्चन जो है वो हमारा ये क्वेश्चन देखिए, पहले तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री की इनफाइनाइट सीरीज पूछी गई है, ऊपर से फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करवाई है, फिर से ट्रिग्नोमेट्री है. ठीक है, तो काफी लेंथी क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको डिफिकल्ट कैटेगरी में रखा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ये जो क्वेश्चन है पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड है. जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे ऐसे, बट जो लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गए थे उनके लिए मीडियम लेवल है. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 विच सेज दैट टू टावर्स आर सेपरेटेड बाय 150 मीटर्स, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन है. तो भाई हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का हर बार क्वेश्चन जो होता है वो ईजी आता है. ठीक है, इसके बाद 10th क्वेश्चन जो है वो है एरिया ऑफ रीजन इनसाइड द सर्कल. इसे बहुत सारे लोग गलतियां करके आए हैं, क्योंकि पूरे सर्कल का एरिया लेना था, सिर्फ पैराबोला का एक छोटा सा पार्ट हटाना था. कुछ लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेकर आ गए, कुछ लोग सिर्फ पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट का लेकर आ गए, तो ये डेफिनेटली मीडियम लेवल में जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 जो है 3D ज्योमेट्री से, तो इसमें लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है, प्लेन दिया हुआ है, तो डेफिनेटली एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, ईजी होगा. क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन दिए हुए हैं दो fx और gx, टाइप पता करनी है, एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन, वेरी इजी. क्वेश्चन नंबर 13, ये लोकस का क्वेश्चन है और 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जो लोग तैयारी करके गए थे उनके लिए आसान है. ठीक है, अदरवाइज इट इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14, ये देखिए एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के और सारे केस डिस्कस्ड हैं. ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज अ इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. क्वेश्चन नंबर 15, जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, अगर इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन दिया होता तो ये मीडियम लेवल में आता, क्योंकि ये दिया हुआ है a sin इनवर्स sin x plus cos x upon b, तो इसे हिंट मिल जाता है कि sin x plus cos x को t लेना चाहिए. डेफिनेटली दिस इज अ इजी क्वेश्चन, राइट. क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, टेंजेंट टू द कर्व वाला क्वेश्चन है. ठीक है, अगेन जिन लोगों का देखा हुआ क्वेश्चन है उनके लिए इजी है, अदरवाइज इट इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन. अगेन क्वेश्चन नंबर 17, अगेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन प्लेन्स, इजी क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, टोटोलॉजी चेक करनी है. अब जो लोग रीजनिंग पढ़ के गए हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, जो लोग नहीं पढ़ के गए उनके लिए बहुत कुछ है, इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19 से इज दैट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में क्या कहना है आपका, अगर आपको इंस्पेक्शन मेथड पता है तो आपके लिए आसान है, अदरवाइज इट इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 20, ये जो क्वेश्चन है पढ़ने में बहुत बड़ा है. ठीक है, बट डायरेक्टली सिर्फ दोनों इक्वेशन को ऐड करके इसका आंसर निकालना था, इसलिए दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन r फ्रॉम 1 टू n tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस r प्लस 1. अगर आप जेई की तैयारी एक महीना भी करके गए हो तो आपने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया पेपर में. ठीक है, इसका आंसर भी सबको याद होता है. ठीक है, तो दिस इज द इजी क्वेश्चन फॉर मी. क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, टेढ़ा इसलिए क्योंकि लिमिट्स नहीं दी हुई, इंटीग्रेशन की वैल्यू दी हुई है. ठीक है, और बाद में ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी स्प्लिट करवा रहे हैं उस इंटरवल में, तो दिस इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23 विच सेज दैट वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, दिस इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विच एंटर दिस. तो अगर तो आप इसका डायग्राम बना लेते हो तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए. ठीक है, सो आई पुट इट इन टू इजी कैटेगरी. क्वेश्चन नंबर 24, इट सेज दैट इफ जेड प्लस अल्फा इंटू जेड माइनस 1 का मॉड प्लस 2 आई टू इक्वल टू 0. तो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर से बच्चे डरते हैं, तो इट इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 25, इस क्वेश्चन में इन्होंने मैट्रिसेस और प्रोबेबिलिटी को मिक्स किया हुआ है, ठीक है, डेफिनेटली मीडियम लेवल है बट डुएबल है अगर आपने तैयारी की हुई एग्जाम की। सो क्वेश्चन नंबर 26, वेक्टर्स का क्वेश्चन है, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों वेक्टर दिए हुए हैं, ए डॉट सी दिया हुआ है, बी डॉट सी दिया हुआ है, तो अगर आपने ये क्वेश्चन देखा हुआ है तो इजी है, अदरवाइज इट इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, सबसे आसान क्वेश्चन है इस पेपर का, जो दिया हुआ है वही पूछ लिया इन्होंने, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, दिस इज अ टफ क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ पढ़ के छोड़ देना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को, वैसे भी इंटीजर टाइप में था तो डिफिकल्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट, अब इसमें जिन लोगों का अप्रोच पता है इसकी उनके लिए भी ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, डिफिकल्ट कैटेगरी। ओके, बहुत ही कम बच्चे सॉल्व कर पाए होंगे इसको वैसे भी, ठीक है, और रेंज के ऊपर बेस्ड है तो थोड़ा टेढ़ा तो है ही, ट्रिग्नोमेट्री डिनोमिनेटर में दी हुई है इसमें। क्वेश्चन नंबर 30, ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप है, पहली बात तो इंटीजर टाइप, इससे पहले आप 5 कर चुके होंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत सारे वेरिएबल्स वाला क्वेश्चन है, 7 वेरिएबल लेके तो मैंने ही सॉल्व किया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, नो डाउट इन दैट।